वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के त्राल में 24 घंटे में दो आतंकी घटनाएं हुई हैं। पुलवामा के त्राल में बीजेपी नेता की हत्या, बीजेपी नेता राकेश पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, त्राल में सीओजी कैंप में पुलिस पर फायरिंग की गई, वहीं पुलिस ने एक आतंकी को मार गिराया है। तो लगातार हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के त्राल में 24 घंटे में दो आतंकी घटनाएं हुई हैं। जी हां, पुलवामा के त्राल में बीजेपी नेता की हत्या हुई है, वहीं बीजेपी नेता राकेश पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं त्राल में सीओजी कैंप में पुलिस पर फायरिंग की गई है, पुलिस ने एक आतंकी को मार गिराया है। तो आपको लगातार इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से हम बता रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के त्राल में 24 घंटे में दो आतंकी घटनाएं हुई हैं। पुलवामा के त्राल में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई, वहीं बीजेपी नेता राकेश पंडित की गोली मारकर हत्या हुई है। त्राल में सीओजी कैंप में पुलिस पर फायरिंग की गई है, वहीं पुलिस ने एक आतंकी को मार गिराया है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। अशोक कुमार राय को एसपी मैनपुरी बनाया गया है, अशोक कुमार एसपी फिरोजाबाद बनाए गए हैं, अजय कुमार एसपी हरदोई बनाए गए, वहीं सुधा सिंह को एसपी महोबा बनाया गया है, अनुराग वत्स पीएसी मुरादाबाद भेजे गए। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें, अशोक कुमार राय को एसपी मैनपुरी बनाया गया है, तो वहीं अशोक कुमार एसपी फिरोजाबाद बनाए गए हैं, बता दें अजय कुमार एसपी हरदोई बने हैं, तो वहीं सुधा सिंह को एसपी महोबा बनाया गया, अनुराग वत्स पीएसी मुरादाबाद भेजे गए। वहीं यूपी में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 5 जिलों के कप्तान बदले जा सकते हैं। जी हां, इन जगहों के बदले जा सकते हैं कप्तान, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हरदोई, जालौन, झांसी। तो लगातार बड़ी खबर हम बता रहे हैं यूपी से जुड़ी हुई, जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। यूपी में 5 जिलों के कप्तान बदले जा सकते हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी, फिरोजाबाद, हरदोई, जालौन और झांसी, इन जगहों के कप्तान बदले जा सकते हैं। तो बड़ी खबर यूपी से आ रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में 5 जिलों के कप्तान बदले जा सकते हैं। इन जगहों में मैनपुरी, फिरोजाबाद, हरदोई और जालौन, झांसी शामिल है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूपी के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी सरकार ने 4 जून से ओपीडी खोलने का निर्देश दिया है। जी हां, मरीजों का इलाज शुरू करने का निर्देश दिया गया है। ओपीडी, आईपीडी सेवाएं शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, कोविड प्रोटोकॉल के साथ ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी सीएचसी और पीएचसी पर चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के ये निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां यूपी के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यूपी सरकार ने 4 जून से ओपीडी खोलने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार कोविड की संख्या बढ़ती जा रही थी, उसको देखते हुए अस्पतालों में अभी तक ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अब जिस तरीके से धीरे धीरे जो कोविड के केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए अब अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू करने का निर्देश जारी किया गया है। क्योंकि लगातार जो मरीज है उनको भी काफी दिक्कतों का इससे सामना करना पड़ रहा था। जिस तरीके से लगातार कोविड का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था, उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया कि जो अस्पताल हैं उनमें ओपीडी की सेवाएं बंद कर दी जाए। लेकिन अब जिस तरीके से केसेस कम होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये निर्देश जारी किया गया है कि अब अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं जो है वो शुरू कर दी जाए। तो जिस तरीके से लगातार
कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे उसको देखते हुए अभी तक जितने भी अस्पताल थे उनमें ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया था, क्योंकि लगातार जो कोविड का ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से प्रदेश में कोविड के केसेस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको देखते हुए ये निर्देश जारी किया गया है कि जो अब अस्पताल है उनमें ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी जाए, जिससे मरीजों को इसका लाभ मिल सके। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मचाएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।